अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। 2023 के तमाम जो पाकिस्तान की टीम्स हैं, पाकिस्तान की मेंस टीम, विमेंस टीम, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम, एमर्जिंग टीम की तमाम की परफॉर्मेंसेस, खैर हमने पे नज़र डाली थी। टॉप रन स्कोर्स पे भी हमने नज़र डाली थी, बट टॉप विकेट टेकर्स पे हम रोशनी डाल रह गई थी, तो इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। ओवरऑल खैर पहले बात कर लेते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हैं पाकिस्तान ODI में, क्योंकि टेस्ट में लीडिंग विकेट टेकर्स की तो हमने कल बात कर ली थी। ODI की बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा विकेट इंडिया के जो कुलदीप यादव साहब हैं उन्होंने दी हैं, 49 विकेट्स उन्होंने दी हैं इन 30 मैच। बाय द वे, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस कुलदीप यादव ने ही खेले हैं ODI के, दैट्स व्हाई उनकी जो विकेट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। और इसके बाद फिर मोहम्मद सिराज आते हैं जिन्होंने 25 मैचेस में 44 उन्होंने विकेट्स ली हैं। दैन 43 विकेट्स ली हैं मोहम्मद शामी ने 19 मैचेस में। एंड इसके बाद संदीप लमिचारिया आते हैं जो कि नेपाल के प्लेयर हैं, उन्होंने 21 मैचेस में 43 विकेट्स ली हैं। एंड देन कम्स आर शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने 21 मैचों में 42 विकेट्स ली हैं, यानी जस्ट 2 विकेट्स ही उन्होंने कम ली हैं, जस्ट 1 विकेट ही उन्होंने कम ली है। खैर शामी ने तो कम मैचेस खेले हैं, बट जो सिराज एंड जो कुलदीप यादव हैं उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले हैं, बट जो शाहीन के विकेट्स हैं वो ऑलमोस्ट उनसे सेम ही हैं, यानी कुलदीप यादव ने तो 30 मैचेस खेले हैं, आई मीन ऑलमोस्ट डबल मैचेस खेले हैं शाहीन से, 70% ज़्यादा मैचेस उन्होंने खेले हैं शाहीन से। तो उन्होंने 49 विकेट्स लिए हैं एंड हमारे शाहीन शाह अफरीदी ने 42 विकेट्स ली हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग कि हमारे शाहीन शाह अफरीदी इतने ज़्यादा अपने अच्छे रिधम में या इतने ज़्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं थे, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस माशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी ने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं पाकिस्तान के लिए भी। लीडिंग विकेट टेकर बाय द वे वही हैं, इसके बाद आई थिंक हारिस आउफ आते हैं, इसके बाद शाहीन शाह नसीम शाह आते हैं। और है कि उसमें भी है कि नसीम ने कम मैचेस खेले हैं, नसीम की खैर बॉलिंग सबसे ज़्यादा अच्छी की है, ये नसीम बेचारा थोड़ा सा अनलकी रहता है हमेशा, हम सब देखते ही हैं, बट है कि सबसे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग अगर किसी ने की है इन 3 हमारे पेसर में से तो उसमें हमारे नसीम शाह ने की है। एंड जो हमारे शाहीन ने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हैं तो ओबियसली माशाल्लाह है कि शाहीन की जो अर्ली विकेट्स हैं जो पूरे खैर थ्रू आउट द ईयर तो उन्होंने अर्ली विकेट्स ली थी, बट या जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वर्ल्ड कप में, जब है कि वो इतने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, और यही खैर पाकिस्तान की जो शिकस्त की या अर्ली एग्जिट की पाकिस्तान की जो वजह थी उसमें मेन वजह यही थी कि भाई शादाब है कि हमारे टॉप परफॉर्मर हैं, हमारे शाहीन हमारे टॉप परफॉर्मर हैं, हमारे बाबर टॉप परफॉर्मर हैं, और ये तीनों ही इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थे। रिजवान भी खैर हमारे टॉप परफॉर्मर है बट वो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, बट है कि ये तीन हमारे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सक रहे थे, दैट्स वाई पाकिस्तान की ओवरऑल जो टीम की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी। दैट्स वाई पाकिस्तान इतनी जल्दी है कि आई मीन नॉकआउट स्टेज से पहले पाकिस्तान आउट हो गया वर्ल्ड कप से। बट इंशाल्लाह होप जागी है कि शाहीन शाह अफरीदी माशाल्लाह अपने रिधम में आ चुके हैं, अच्छे विकेट्स ले रहे हैं, अच्छी स्पेल्स करवा रहे हैं। सो लेट्स होप कि इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप का साल है तो शाहीन इस बार अपनी कैप्टनसी एंड अपनी ब्रिलियंट बॉलिंग के थ्रू पाकिस्तान को टाइटल विन कराएं, एंड बाबर आजम भी इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंसेज दें, अच्छे रन स्कोर करें, अच्छी सेंचुरीज करें, एंड पाकिस्तान को एज अ प्लेयर है कि ICC टाइटल जिताने में अपना एक कलियदी किरदार अदा करें, इंशाल्लाह आमीन। और खैर इसके अलावा जो हमारा होने जा रहा है, जो हमारा नेक्स्ट मैच होने जा रहा है सिडनी में, उसके हवाले से जो हमारे कैप्टन मोहतरम हैं शान मसूद साहब, वो बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं कि पाकिस्तान की ये टीम शिकस्त देगी ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया इन सिडनी टेस्ट से, उन्हें बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो ये उम्मीद पर दुनिया कायम है, हमें भी अपनी टीम से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं कि इंशाल्लाह हमारी टीम एटलीस्ट है कि एक मैच तो वहाँ पर विन कर लेगी इंशाल्लाह। और खैर इसके अलावा जो टॉप परफॉर्मेंस की हम बात कर ही रहे थे कि भाई सबसे ज़्यादा रन बाबर आजम ने बनाए हैं, सबसे ज़्यादा विकेट्स शाहीन शाह अफरीदी ने लिए हैं, स्पाइट ऑफ ये दोनों अपने अच्छे टच में नहीं थे, बट फिर भी माशाल्लाह इन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन एंड सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं। तो भाई बाबर आजम के बारे में मैंने बात की थी, दोबारा कर लेते हैं कि भाई 35 मैचेस में ODI की हम बात कर रहे हैं, 35 मैचेस में नहीं ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल अक्रॉस फॉर्मेट बाबर आजम ने 35 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 1399 रन बनाए हैं, हाइस्ट जो स्कोर है उनका 151 रहा है, जबकि 300 उन्होंने स्कोर किए इन 2023 ईयर अक्रॉस फॉर्मेट, एंड 50 जो उन्होंने स्कोर किए हैं वो 10 स्कोर की उन्होंने। देन शाहीन ने 30 मैचेस अक्रॉस फॉर्मेट खेले हैं, उसमें 62 माशाल्लाह उनके विकेट्स हैं,
और है कि जो बेस्ट बॉलिंग फिगर उनका 5 for 51 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 5 for 51 है, एंड एवरेज उनके 27.80। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी हेल्दी एवरेज एंड अच्छा एक है कि वो लेके चल रहे हैं, एक लेगेसी सेट कर रहे हैं वो। तो वी ऑल आर होपिंग कि भाई मज़ीद ये जो 2024 का ईयर है वो उनके लिए अच्छा साबित होगा। देन जो हमारे वार्नर साहब हैं वो भी रिटायर्ड हो गए हैं ओडीआई क्रिकेट से, एंड उन्होंने खैर इंडिया दिया है कि शायद C20 2025 जो कि पाकिस्तान में होनी है उसके लिए वो, अगर ऑस्ट्रेलिया को नीड पड़ी तो है कि वो ज़रूर अपनी खिदमत पेश करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। बट आई डोंट थिंक कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो रिसोर्सेज हैं उनको नीड पड़ेगी जो हमारे डेविड वार्नर साहब हैं। और खैर बाय द वे इतना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वो दे भी नहीं रहे थे, और यह वर्ल्ड कप में भी कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज नहीं थी। एंड ट्रेविस हेड ने बाय बाय द वे ओपनिंग शॉट पर अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एंड और भी खैर उनके पास काफ़ी ज़्यादा ओपनर्स मौजूद हैं। तो आई डोंट थिंक C20 2025 में वार्नर की जरूरत पड़ेगी। सो आई थिंक वार्नर ने वार्नर ऑब्वियसली अब ओडीआई क्रिकेट से तो पूरी तरह से अलविदा उन्होंने कह दिया है, और खैर अच्छा उनका रहा है ये जो भी उनका करियर अभी तक रहा है उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।